हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अदिति एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप मेरे वीडियोस एंजॉय कर रहे हो। आज का वीडियो जो है ये गोल्डिलॉक्स प्रिंसिपल के बारे में है। गोल्डिलॉक्स एंड थ्री बेयर्स की कहानी तो सबने सुनी है और इसी से ये प्रिंसिपल डिराइव हुई है। इसमें गोल्डिलॉक्स नाम की छोटी लड़की तीन बोल्स में से खीर टेस्ट करती है और उसे वही खीर पसंद आती है जो ज़्यादा गर्म नहीं होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी, बल्कि एकदम परफेक्ट होती है। इसी कहानी से जस्ट द राइट अमाउंट ये कंसेप्ट हमें समझ में आती है और यही कंसेप्ट हमारी लाइफ में बहुत यूजफुल होती है। ऐसे चैलेंजेस सबको पसंद है जो डिफिकल्टी जोन के अंदर हो। हमारी कैपेबिलिटी के अंदर के सारे टास्क बोरिंग लगते हैं एंड कैपेबिलिटी के बियॉन्ड के टास्क डिस्करेजिंग लगते हैं। लेकिन जो टास्क कैपेबिलिटी के बॉर्डर पे होते हैं, यानी सक्सेस एंड फेलियर के बॉर्डर पे होते हैं, वो हम ह्यूमंस को मोटिवेटिंग लगते हैं और यही बात गोल्डिलॉक्स प्रिंसिपल बताता है। अब ये प्रिंसिपल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि रनिंग। हम सब राइट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों को ये राइट अमाउंट फाइंड करने में मुश्किल होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा दौड़ोगे और वो भी बहुत फास्ट, तो ओवर ट्रेनिंग हो जाएगा या आपको लग जाएगा। अगर आप कम दौड़ोगे और वो भी बहुत स्लो, तो आपका फिटनेस इम्प्रूव नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज प्लेइंग टेनिस। आप छोटे बच्चों के साथ खेलोगे तो बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और किसी चैंपियन के साथ खेलोगे तो डिस्करेज हो जाओगे। आपको आपसे थोड़े बेटर अपोनेंट के साथ खेलना है। अब देखते हैं ये प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है। गोल्डिलॉक्स प्रिंसिपल हमें हमेशा कंसिडर करनी चाहिए जब हमें हमारे एम तक पहुंचना है। एम चाहे कितना भी मुश्किल हो, उसे अचीव करने के लिए एक पाथ सेट करना पड़ता है और उसे जुड़े रहना पड़ता है। मान लो अगर आपका एम है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना, तो आप डायरेक्टली वो क्लाइंब करने जाओगे तो पॉसिबल नहीं होगा। वहां तक पहुंचने के लिए इनिशियली आपको कुछ माउंटेन्स क्लाइंब करने पड़ेंगे जो आपके कैपेसिटी के थोड़े ऊपर हों। धीरे धीरे आप डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कीजिए एंड कंसिस्टेंट रहिए, तो एक दिन आप माउंट एवरेस्ट जरूर क्लाइंब कर पाओगे। और ये प्रिंसिपल हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने में मोटिवेट करती है। मेजर योर प्रोग्रेस। सही लेवल के चैलेंजेस आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करते, बल्कि आपको खुश भी करते हैं। और यही बात साइकोलॉजिस्ट गिलबर्ट प्रिम ने कही थी। इसलिए आपका प्रोग्रेस आपको मेजर करते रहना है, ताकि आप धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाओ। अब हम देखेंगे हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। सबसे पहले तो गोल्डिलॉक्स रूल फॉलो कीजिए और उन टास्क पे फोकस कीजिए जो मैनेजेबल डिफिकल्टी लेवल के। फिर आपका प्रोग्रेस ट्रैक करते रहिए, फीडबैक्स लीजिए एंड उस पे काम कीजिए। एंड फाइनली हम देखेंगे इस रूल के बेनिफिट्स। ये प्रिंसिपल जो है ये आपको मोटिवेट करता है। इससे आपका मूड अच्छा रहता है, ऑल्सो आप खुश रहते हो। इससे फोकस बढ़ता है। सही लेवल की ट्रेनिंग लेने से ये रूल आपको एनकरेज करता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काफी मदद होती है। सो गाइज, आई होप आपको गोल्डिलॉक्स प्रिंसिपल समझ में आ गई है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोज आपके लिए बना पाऊँ। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो। दिस इज अदिति साइनिंग ऑफ। बाय।